यहाँ पे हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम कवर करेंगे एक प्रोक्योरमेंट को लेके, जिसके अप्रूवल का जो एंटिसिपेशन है वो लास्ट वीक ही किया जा रहा था एमओडी के द्वारा, कि एमओडी इस हफ्ते इसको अप्रूव करने वाली है। वैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिला है, तकरीबन 120 के नंबर में जो प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल है, टैक्टिकल मिसाइल, उसको अप्रूव किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा। और जो इसका डिप्लॉयमेंट है वो भी तय किया जा रहा है, जो प्राइम डिप्लॉयमेंट रहेगा वो चीन बॉर्डर पर रहेगा, एलएसी पर रहेगा। प्रलय को लेकर हम सभी डिटेल में बात कर चुके हैं। ये एक टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है और इस तरह के बीएम का जो इस्तेमाल है वो मॉडर्न वॉरफेयर में काफी एंटिसिपेटेड है। आपके जो दोनों नेबर है, हॉस्टाइल नेबर है, उनके पास जो इस तरह की कैपेबिलिटी है वो ऑलरेडी है, और जो भारत के लिए रिक्वायरमेंट थी वो काफी समय से देखी जा रही थी। तो जो इनिशियल प्रोक्योरमेंट है वो IAF करेगी, फिर उसके बाद ये आर्मी को दिए जाएंगे। और यहाँ पर जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस हैं वो सभी मिलकर जो एक रॉकेट फोर्स है उसको संगठित करने जा रहे हैं। सो जो इसका ऑपरेशन है वो आपको आगे चल के रॉकेट फोर्स के अंदर दिखेगा। यहाँ पे प्रलय के बारे में बात करोगे तो जो रेंज है वो 150 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर के बीच में है, डिपेंड करेगा कि आपका जो वॉरिड है वो किस तरह का रहता है। यहाँ पे स्टेटमेंट के बारे में बात करोगे तो जो रेंज है वो बढ़ाई जा सकती है, ऑफिशियली ये स्टेट किया गया है। तो जो इसकी रेंज है वो अप टू 800 किलोमीटर तक जा सकती है। की फीचर्स को लेके हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो इसकी ट्रेजेक्ट्री है वो क्वाजी बैलिस्टिक है। टेक्निकली यहाँ पे ये हो गया कि एक पर्टिकुलर पाथ को फॉलो करके अपने एंड गेम में इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो प्रेडिक्टेबल नहीं होगी, वो वेरी करेगी। तो ज्यादातर जो इंटरसेप्टर बनाए गए होते हैं, पिछली जो एनमी के इंटरसेप्टर होंगे, उनके पास जो रिएक्शन टाइम होगा फायर करने के बाद मिसाइल को हिट करने के लिए वे पॉइंट को ढूंढना, वो रिएक्शन टाइम काफी कम होगा। और मोस्ट केसेस में जब हमारा मिसाइल मिड कोर्स पार कर चुका होगा तभी जो इंटरसेप्टर है वो मीट करेगा मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, और वो जो फेज होगा वहाँ पे जो ट्रेजेक्टरी रहेगी प्रलय की वो क्वाजी बैलिस्टिक रहेगी। सो जो इंटरसेप्शन है वो काफी डिफिकल्ट रहने वाला है। ज्यादातर जो चांस है इंटरसेप्शन के वो तब होते जब इनिशियल फेज में जो इंटरसेप्टर है वो फायर किया जाता है एनमी की तरफ से, तो वो चांस यहाँ पे कम दिखेंगे क्योंकि जो टेरेन है, LSE कह रहा हूँ, वो माउंटेनियस टेरेन है। तो लॉन्ग रेंज रडार के लिए भी ये पॉसिबल नहीं है कि माउंटेनियस एरिया में फायर किया गया जो बीएम है उसको तुरंत ही डिटेक्ट कर लिया जाए। तो वहाँ पे जो रिएक्शन टाइम है इंटरसेप्शन के लिए इनिशियल फेज में वो काफी कम मिलेगा एनमी के इंटरसेप्टर को। सो इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो इंडक्शन है उसके लिए जो पाथ है वो बना दिया गया है एमओडी के द्वारा। जो इनिशियल नंबर है 120 का वो प्रिक्योर किए जाएंगे और ये जो नंबर है वो 1000 तक जाने वाला है। होपफुली जो कम्प्लीशन है एक बड़े नंबर के प्रोडक्शन का वो 2025 से पहले किया जाएगा। यहीं पे हम बात करेंगे आर्मी के एक और RFI के बारे में, जो कि 570 के नंबर में जो लॉजिस्टिक ड्रोन है उसके प्रोक्योरमेंट को लेके है। और यहाँ पे जो ड्रोन डिप्लॉय किए जाएंगे वो 12,000 फीट ऑल्टीट्यूड पर डिप्लॉय किए जाएंगे। स्पेशली जो प्रोक्योरमेंट है वो हिमालयन हाई ऑल्टी रीजन के लिए किया जा रहा है। और यहाँ पे जो कैटेगरी है वो इंडियन IDDM, बाय इंडियन और मेक इंडियन कैटेगरी है। तो जो भी ट्रूप डिप्लॉयड है फॉरवर्ड एरिया में उनके लिए जो लॉजिस्टिक है उसके डिलीवरी के लिए इसको प्रोक्योर किया जाएगा। और यहाँ पे ड्रोन के पास जो कलर डे और नाइट कैमरा है, मोनोक्रोमेटिक थर्मल सेंसर है, वो भी रहना चाहिए। पेलोड कैपेसिटी की बात करोगे तो हाई ऑल्टीट्यूड पे 20-40 kg के अराउंड रहना चाहिए, 20-40 kg के अराउंड मांगी गई है। और जो यूजुअल पेलोड रहेगा वो 40-80 kg के अराउंड रहेगा। जो ऑपरेशनल ऑल्टीट्यूड है वो अप टू 18,000 फीट का है और जो एवरेज ऑल्टी ऑपरेशन है वो 12,000 फीट का रहेगा और अप टू -20 degree में ऑपरेट करेगा। यहाँ पे जो मिशन रेंज रहेगी वो 10-20 kilometer के अराउंड है वन वे में ऑल ऑफ वेट के साथ, और जो एंड्योरेंस रहेगी वो 45 मिनट की रहेगी। सिस्टम यहाँ पे कंपेटेबल रहेगा GPS गोलनास और नेविक के साथ। शेल्फ लाइफ की बात करोगे तो अप टू 10,000 जो लैंडिंग है वो रिक्वायर्ड यहाँ पे मांगी गई है। तीन तरह के जो मोड है, फुल्ली ऑटोनोमस, मैनुअल मोड और रिटर्न होम मोड, यहाँ पे ये तीनों डिमांड की गई है। सो अगेन यहाँ पे जो इस तरह की कैटेगरी है वो अभी फिलहाल तीन वेंडर दे सकते हैं। कल्याणी के पास भी इस तरह की कैटेगरी है लॉजिस्टिक ड्रोन की, L&T ने अभी हाल ही में डिस्प्ले किया था अपने लॉजिस्टिक ड्रोन को। और यहीं पे जो सागर डिफेंस इंजीनियरिंग है वो भी इस कैटेगरी में जो अपना UAV है वो शोकेस कर चुके हैं। सो कहीं नहीं कि जो डिप्लॉयमेंट है LSE के अराउंड वो एक लंबे समय तक रहने वाला है, और उसके ऊपर थॉट देते हुए ये जो प्रोक्योरमेंट है वो किए जा रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।